23 से 25 तारीख तक श्रीनगर में G20 की मीट होने जा रही है। ऐसे में बिलावल भुट्टो का 3 दिन का दौरा जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में साफ तौर पर उनकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज को दर्शाता है। इस समय पाकिस्तान में ज़बरदस्त खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। वहाँ सिक्योरिटी इशू है, इकोनॉमिकली बिल्कुल कंगाल हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। ऐसे में बड़ा लाजमी था कि जितने भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं वो देश को बचाने में लगे, अपनी एनर्जी उसमें स्पेंड करें। लेकिन वो पहुंच गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ये कोशिश करेंगे कि आतंकवादियों को उत्साहित करें, उनसे कहें कि बॉर्डर को क्रॉस करके कुछ बड़े हादसों को अंजाम दें G20 की मीट के अंदर। ऐसे में वो पाकिस्तान का क्या चेहरा दुनिया के सामने दर्शाना चाहते हैं। वो जब SCO मीट में आए, बड़े पैमाने पर एक किस्म से ह्यूमिलेटेड होकर वापस गए। अब भी दुनिया के सामने जो है ह्यूमिलेशन के अलावा पाकिस्तान को इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर खुद ही दुनिया के सामने पाकिस्तान के ऐसे चेहरे को दर्शा रहे हैं जो निंदनीय है और टोटली कंडेमनेबल है।